आज हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में सीखेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इसे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें लार्ज नंबर्स को इजिली इसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए वंस थाउजेंड्स लैक्स करोड़, ये पीरियड हो गए, और ये प्लेसेस हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़, और इसका शॉर्ट फॉर्म है वंस को ओ से लिखा है, टेंस को टी से, हंड्रेड एच थाउजेंड टी एच, टेन थाउजेंड टी टी एच, लैख एल टेन लैख टी एल, करोड़ सी टेन करोड़ टी सी, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये ब्लू कलर से जो है वो पीरियड है, और ये रेड कलर है ये प्लेस बता रहा है। इसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। इसमें हम लार्ज नंबर्स को इसके थ्रू इजीली हम रीड कर सकते हैं। पीरियड्स में इसको एक काउंट करेंगे, जैसे अगर 10,000 और 1,000 है तो उसको हम पढ़ेंगे एक साथ मिलाकर 1,000, और 10 लाख और लाख में भी अगर कोई डिजिट है तो उसको एक साथ पढ़ेंगे लाख। उसी तरह 10 करोड़ और करोड़ में अगर दोनों डिजिट है तो उसको करोड़ पढ़ेंगे। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 9, और मान लीजिए यहाँ पर 2 दे दिया, 29, ये करोड़ वाले पीरियड में है, तो 29 जो है 29 करोड़ 76 लाख 45,000 310। कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं? कॉमा पीरियड को अलग करता है, इसे पीरियड बोलते हैं, ये पीरियड है, इसको अलग करता है। यानी फर्स्ट ला यहाँ से स्टार्ट करेंगे और थ्री डिजिट के बाद कॉमा प्लेस करेंगे, फिर थाउजेंड में दो प्लेस है तो टू डिजिट के बाद फिर कॉमा, फिर टू डिजिट के बाद कॉमा, यानी कॉमा पीरियड्स को अलग करता है। और कॉमा इंसर्ट कर लार्ज नंबर्स को इजिली पढ़ा जा सकता है। इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। कोई न्यूमरल्स मैं लेती हूँ 3, 0, 4, 5, 8, 0, 9, 4, तो यहां से थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस करेंगे, फिर टू डिजिट के बाद कॉमा, फिर टू डिजिट के बाद कॉमा। ये कॉमा जो है वो पीरियड दिखा रहा था, ये वंस हो गया, ये थाउजेंड, ये लाख, और ये करोड़। तो यहां पर क्या हो गया, 3,04,58,094 ये नंबर हो गए। मान लीजिए दूसरा डिजिट लेते हैं 9, 8, 4, 7, 2, 1, 5, यहां पर हमें कॉमा कहां प्लेस करना पड़ेगा, थ्री डिजिट्स के बाद, फिर टू डिजिट्स के बाद। ये वंस का हो गया, और ये थाउजेंड, और ये लाख, यानी 98,47,215। इस डिजिट्स को मैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आ जाइए 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9। देखिए ये लाख वाले में 98 है, थाउजेंड्स वाले में 47 है, वंस वाले में 215 है, तो 98,47,215 इसे रीड करेंगे। ओके, मान लीजिए ये है 9,7,6,4,5,3,1,0, इसे कैसे रीड करेंगे? यहाँ 9 है, ये करोड़ वाले में है, 9,76,45,310। अब एक और मैं बड़ा नंबर लेती हूँ, लार्ज नंबर्स, उसको रीड करना है 5 2
7, 8, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट्स हैं। ये वंस प्लेस पर है, ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख। तो थ्री डिजिट के बाद कॉमा, फिर कॉमा, यानी 5,27,864। मान लीजिए एक और लेती हूँ, 1,8,9,5,0,0,4,9। कॉमा का क्या था, पहले थ्री डिजिट के बाद, फिर टू टू डिजिट के बाद हम कॉमा प्लेस करते हैं। ये कॉमा जो है वो पीरियड को अलग करता है। अब इसे रीड कीजिए, ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1,89,50,049। एक और लार्ज नंबर्स लेती हूँ, 3,0,4,5,8,0,9,4। मान लीजिए इसमें 6 लगा देती हूँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया है। अब इसे रीड करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो पहले हम कॉमा प्लेस करेंगे। तो इस इधर से थ्री डिजिट के बाद कॉमा, फिर टू के बाद कॉमा, फिर टू डिजिट के बाद कॉमा, हो गया। तो ये हो गया वंस, ये हो गया थाउजेंड, ये हो गया लाख, और ये हो गया करोड़। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 करोड़, 30 करोड़, 45 लाख, 80,946। ये है वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, और ये दोनों हो गया थाउजेंड, ये थाउजेंड प्लेस पर है, और ये 10,000 प्लेस पर, और ये लाख, ये 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ के प्लेस पर 3 है, करोड़ के प्लेस पर 0 है, 10 लाख के प्लेस पर 4 है। तो इस दोनों को एक साथ कहेंगे 30,45,80,946। इस तरह से इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर को, जो भी न्यूमरल है, उसे अगर प्लेस करेंगे तो उसको इजीली हम रीड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बताई हूँ, कॉमा जो है वो पीरियड को अलग करता है, और पीरियड को एक साथ हम रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बताई थी पीरियड को एक साथ, जैसे करोड़, लाख, थाउजेंड, वंस, ये पीरियड है और ये प्लेस है, ओके? अब हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट समझेंगे। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ये जो सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। इसमें हम लोग मिलियंस, बिलियंस, इस तरह से हम लोग नंबर्स को रीड करते हैं। इसमें पीरियड्स हैं वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, और इसमें 3-3 का ग्रुप बना हुआ है, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीनों मिलके वंस पीरियड बनाया। फिर थाउजेंड, 10,000, हंड्रेड थाउजेंड्स, ये थाउजेंड्स का ग्रुप बना। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये मिलियंस का ग्रुप है। फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसमें जब कॉमा प्लेस करेंगे तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं डिजिट, जैसा कि मैं इंडियन सिस्टम में बताई हूँ कि पीरियड को एक साथ हम लोग रीड करते हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई डिजिट, यहाँ नंबर अगर मैं प्लेस करती हूँ, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 2। अब इसे हम कैसे रीड करेंगे, ये 27 जो है वो मिलियंस में है, तो कहेंगे 27,695,432, ओके? इसको हमने कैसे रीड किया, 27 मिलियंस, और इसको एक साथ करेंगे 3 को, 695,432। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 4 लगा दिया, अब क्या हो जाएगा, इस तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, 427,695,432, क्लियर? मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ 752016,
ये है। अब इसे कैसे मैं रीड करूंगी, कैसे रीड करना है, 752 ये थाउजेंड्स वाले ग्रुप में है, तो 752,016। और कॉमा कहाँ प्लेस होगा, थ्री डिजिट के बाद, 1, 2, 3 के कॉमा, फिर इस के बाद कॉमा, इस वाले में, इसमें तो एक ही कॉमा होगा और इसमें दो कॉमा होंगे, एक वंस के बाद एक थाउजेंड्स के बाद, ठीक है। इसको ऐसे अब हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कंपैरिजन सीखेंगे, ये दोनों को तुलना करेंगे कि अगर 1 लाख है तो उसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 1 लाख का क्या वैल्यू होगा, 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, दोनों को हम लोग कंपेयर कर सीखेंगे। यहाँ देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ओके। यहाँ वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, अभी मिलियन तक मैं लूंगी, मिलियन तक कंपेयर करना है। तो अगर कहा जाए कि 1 लाख, अगर 1 लाख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो 1 लाख को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए 1 लाख यहाँ है, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्लेस पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 प्लेस पर आते हैं तो 100,000, इट मीन्स 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, यानी 1 लाख को हम लोग क्या कहेंगे, 100,000 कहेंगे। अब कंपेयर कीजिए कि 10 लाख को, 10 लाख को क्या कहेंगे, 10 लाख कौन सा प्लेस है इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लेस है, यहाँ पर आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लेस पर मिलियन है, यानी 10 लाख मीन्स 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 1 लाख मीन्स 100,000। किसी भी नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम से और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से हम लोग इजिली रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। तो अगर 1 लाख है उसे अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में कहना होगा तो 1 लाख किसके इक्वल होगा, तो 1 लाख होगा आपका 100,000 के इक्वल, 100,000। देखिए कैसे, यहाँ लाख है, किस प्लेस पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी आइए, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्लेस पर आ गया आपका 100,000, तो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। 10 लाख, 10 लाख किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा मिलियन के, 1 मिलियन के, यानी 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन का क्या मतलब हो गया, 1 मिलियन में का वैल्यू हो गया 10 लाख, 10 लाख हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और 1 मिलियन हो, 1 मिलियन हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ओके। अब आते हैं करोड़ को अगर हमको इंटरनेशनल सिस्टम में कहना होगा नंबर सिस्टम से, तो 1 करोड़ को हम क्या कहेंगे, 1 करोड़ है, किस प्लेस पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 10 मिलियन, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन। उसी तरह 10 करोड़ का क्या मतलब हो जाएगा, 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियन। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, 1 लाख मीन्स 100,000, 10 लाख मीन्स 1 मिलियन, 1 करोड़ मीन्स 10 मिलियन, एंड 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियन, ठीक है। और इसी का यूज अगर इस दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो इससे रिलेटेड आपका एक एक्सरसाइज है 1.1, उसको हम लोग